गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30 इतना टाइम हुआ है। और एक्चुअली मेरे एक दो दिन से व्लॉग नहीं आ रहे रेगुलर। वो क्या है कि मैं ना कुछ अपने LIC के काम में बिजी हूँ। और आज भी मैं सुबह सुबह वीडियोस बना रहा हूँ, और क्योंकि आज भी मैं सारा दिन बिजी होने वाला हूँ अपने ऑफिस में। कुछ काम है मेरे को ऑफिस से बाहर और ऑफिस में। मम्मी चाय ले, चलिए बात करते हैं आपसे। नहीं। सुबह की मॉर्निंग की चाय आपके साथ आज। चलिए गाइस मुद्दे पे बात करते हैं, कुछ ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मेरे को बताया कि रात काफी आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, और मैंने पहले भी बोला कि मेरे को ऐसी वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो ये बताना बहुत जरूरी है। और कितना झूठ है कितना सच है आपने जानना है। अभी मैं मुकरूंगा नहीं उन बातों से, और ये सब बातें मैं बनाना नहीं चाहता था। लेकिन ये मेरे ऊपर वीडियो बनाया और आधा घंटा रहा, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया। और बहुत से लोगों के मन में बातें क्रिएट कर दी गई, गलत फहमी क्रिएट कर दी गई, एलिगेशंस लगा दिए गए कि ये ड्रिंक करके आया ऐसा वैसा, और हंगामा किया, लड़कों के साथ था। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। अब बातें हुई है तो मेरा अपना साइड रखना भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह लड़का पिसता है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत निडर होकर बोलना पड़ता है। मैं किसी को हेट नहीं दे रहा, किसी के ऊपर मैं एलिगेशंस नहीं लगा रहा, जस्ट अपनी बात को रख रहा हूँ। जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए अभी रिसेंटली कल वाली वीडियो में, कि हर तरह से लड़के को मेंटली परेशान किया जा रहा है, पर वो अपनी बात कहाँ रखे। चलिए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेसलेस है ये बात, कोई बेस नहीं है इस बात का। चलिए बात करते हैं। तो कल अप्रोक्सीमेट 3:30 की बात है, मेरे ऑफिस में, चलो वो तो पहले ऑफिस में वो आया अपना सौरभ को आप जानते हो, विशाल सौरभ। तो सौरभ आया, सौरभ मतलब कि अपना इनकी मासी का बेटा, रियल मासी का बेटा। तो मैं अपना काम कर रहा था, फिर मैं फ्री हो गया। फिर उसके बाद सोचा कि चलो हमारे यहाँ पे, मैंने बोला ना एक डैम है, पानी छोड़ा हुआ है वहाँ पे, तो डैम की तरफ चले गए पानी देखने के लिए। उसके बाद अब वापसी में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि 4:30 के प्रोक्सी बैठ हम गए होंगे, 4:15 बजे, कोई टाइम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। फिर हम वापसी में आ जाते हैं। तो अब थोड़ा सा पीछे जाना, आपने मेरा पिछला वीडियो देखना, पुल में गया था मैं, तो वहाँ पे हमारे जीजा जी मिले थे यार, क्योंकि उस तरफ ही रहते हैं। मेरी रियल बुआ की जो बेटी है उनके हस्बैंड, रियल बुआ की बेटी जो उनके हस्बैंड। तो कल ना कुछ ना डिस्कशन हुआ था मेरा उनके साथ ना, कुछ अपनी पर्सनल बातें थी, कोई ऐसे वैसे नहीं, रिश्तेदारी है तो कुछ बातें हुई थी। तो मैंने को बोला कि मैं आऊँगा आपके पास, खैर कोई बात नहीं, या मैं आ जाऊँगा आपके घर या तुम आ जाना मेरे घर, कि ये काम करना है, कुछ काम था मेरा छोटा सा, कुछ टेक्निकली सोशल मीडिया से रिलेटेड ही, उनको अपना एक चैनल क्रिएट करना है, तो उससे रिलेटेड काम था। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चलिए ये तो मेरी और उनकी बात है, किसी को नहीं पता इन चीज़ को, मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो ये मैंने बीच का पॉइंट बता दिया आपको कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरी बुआ का बेटी की हस्बैंड, वो घर है वहाँ पे दूसरी तरफ, जिस तरफ से ये आया वीडियो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए। और उनका घर सेम गली में, बिल्कुल लास्ट में, मतलब कि ये जो पार्टी एलिगेशंस लगाती है मेरे ऊपर, इनके एक ही रोड है जहाँ से गाड़ी जाती है, जो पार्टी एलिगेशंस लगाती है ना,
उनके घर से 5-7 घर आगे छोड़ के उनका घर है, मेरी बुआ की जो बेटी है उनके हस्बैंड का घर। अब बातों को सारे ध्यान से सुनना, क्या कहाँ पे कौन गलत है और कैसे हम हाइपर होके फटाफट किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। मैं और सौरभ हम गए डैम में पानी देखने के लिए। अब डैम का मैं एग्जैक्ट नाम यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज है, डैम कोई भी हो सकता है। तो आते हुए मैंने बोला कि यार मेरे को ना कुछ काम है, जो प्रीवियस डे अलग बात हुई, आए तो वहीं इस तरफ भी चल पड़ते हैं, क्योंकि ये एक जो रोड्स होते हैं ना ये पब्लिक रोड होते हैं, कोई भी आ जा सकता है यहाँ पे बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। बहुत से लोग ना मेरी वेट कर रहे थे अंकुश का बोल, क्योंकि अंकुश के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए, तो बहुत ही प्यार से अपनी बातों को रखा है यहाँ पे। तो मैंने कहा चल पड़ते हैं। और उस एरिया में मैं LIC का काम करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी है एक पॉइंट पे। चलो अभी क्लाइंट से काम नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलता अभी क्लाइंट से, लेकिन मीन साल में मेरे को 2 बार मिलना पड़ता उनसे। अब बताओ मैं ना जाऊँ उस एरिया में काम ना करूँ, या अपने रिश्तेदारी के घर ना जाऊँ? तो अभी रिश्तेदारी के घर जाने की बात करते हैं हम साफ, क्योंकि मैं गया लेकिन मिल नहीं पाया। मैंने और सौरभ ने, सौरभ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं गाड़ी में था, और हम नॉर्मल गली है, 15-20 किलोमीटर की स्पीड चलती है वहाँ पे गाड़ी की, कुछ ज़्यादा नहीं चलती। आई थिंक ये भी ज़्यादा बता रहा होगा मैं, क्योंकि इतना है नहीं वो, हमें भी पता है, डर भी लगता है कि बच्चे वगैरह ना जाए, घर है, जानवर ना आ जाए, गाय ना आ जाए, भैंस ना आ जाए, वो गली कुछ ऐसी है। तो हम नॉर्मल स्पीड में मैं उनके घर पहुंचा, क्योंकि हम आ रहे, कोई प्लानिंग नहीं थी, पिछले डे बात हुई थी उनसे, फिर मैं सीधा उनके घर गया। नॉर्मल ऐसे गाड़ी जा रही है बिना रुके हुए, बिल्कुल उनके घर रुकी। और मैंने बाहर गेट जहाँ पे उनका मेन गेट है वहाँ से 100-150 मीटर दूर उनका अपना घर है, मतलब कि 2 गेट लगाए हुए, एक आगे गेट लगाए हुए, एक पीछे गेट लगाए हुआ। तो वहाँ पे मैंने खड़े होकर फ़ोन किया उनको, मैंने कहा जीजा जी मैं आया हूँ, बात हुई थी तो मिलना था। तो कह रहे कि ऐसे है कि मैं हूँ बाहर, मेरे को 15 मिनट लग जाएंगे। तो कह रहे कि तुम कल भी मेरे साथ थे तो अपनी दीदी को मिल आओ। मैंने कहा जीजा जी मैं फिर आता हूँ, आप भी आ जाओ। मैंने वहाँ से गाड़ी घुमाई फ़ोन करने के बाद, और वापस चला गया, वापस आ गया अपने एरिया में। और आया कैसे, जैसे गए थे नॉर्मल, शीशे बंद, गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी जाती गई, और ऐसे ही हम वापस आ गए। अब भाई घर तो क्रॉस करना ही है ना, उड़ के तो मैं जा नहीं सकता, सड़क वही है ना। मैंने गाड़ी का शीशा खोला ना, गाड़ी मैंने बंद की ना, गाड़ी मैंने खड़ी की। हाँ हल्का सा म्यूज़िक जरूर था गाड़ी में, जो कि नॉर्मल मेरी गाड़ी में चलता है, जो कंपनी फिटेड है, जो कंपनी ने दिया हुआ है, वो भी एक मतलब कि 45 का वॉल्यूम होता है, लेकिन 20 पे चल रहा था, 20 पे बोल रहा हूँ, 15 और 18 के बीच में चल रहा था, जो कि नॉर्मल विंडोज़ बंद है, किसी तरह का साउंड बाहर नहीं आता। जब उस गली से मैं गया, भाई आँखें हैं, बंदा देखता भी है इधर उधर, खेत खलियारे में भी देख रहा था, बिल्डिंग्स बनी रही थी वो उसको भी देख रहा था, और एक आंखों में थोड़ी सी ललक होती है कि चलो बच्चा ही दिख जाए, झूठ नहीं बोलता मैं यहाँ पे, मैं उसको जरूर देख रहा कि हाँ दिख जाएगा, शायद नहीं दिखा। चलो जाते हुए ऐसे हुआ ना, मैंने गाड़ी रोकी ना शीशा खोला, नॉर्मल गए, और जब वापसी आई, वापसी भी सेम ऐसे, लेकिन वापसी आते टाइम गेट बंद कर दिया था। तो हम नॉर्मल आ गए वहाँ से, तो दिल में एक हंसी जरूर रही यार कि ठीक है, पता लग गया कि मैंने इस गली से क्रॉस किया, गेट के बंद करने की क्या ज़रूरत होगी, ये सब बातें थी। तो घंटे 1.5-2 घंटे बाद मेरे को पुलिस स्टेशन से, लोकल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आप उस एरिया में उत्पात मचाया, आपने उकसाने की कोशिश की। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, हम 2 लोग थे, मैं और सौरभ, ऐसा तो कोई बात नहीं थी। सौरभ को नहीं आया, सौरभ को किसी रिलेटिव के थ्रू फ़ोन करवाया, उसको भी बोला कि तुम उसके साथ घूम रहा है ऐसे वैसे, तो नॉर्मल है। मेरे को पुलिस स्टेशन से बोला, मैं बात करना नहीं चाहता था यहाँ पे, लेकिन अब करनी पड़ी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुकी है ऐसे ही सेम। तब भी मैं वहाँ गया था, रात का टाइम था, 8-8:30 में मैं वापस आ गया था, और
तब भी मेरे को ऐसी हरास किया था, तब भी मैंने बोला था कि ठीक है। फिर कल मैंने अपने एडवोकेट के साथ भी बात की, उन्होंने भी बात की है। तो वापसी में जो आ गया मैं नॉर्मल, कोई ना रोका, ना गाड़ी रोकी, ना बाहर निकला, ना किसी तरह की कोई बर्बली टोक, ना किसी तरह की कोई मैंने आवाज़ की। मैं नॉर्मल गया, गाड़ी में बैठ के नॉर्मल वापस आ गया। मेरे को हाँ देखा जरूर था मैंने उस तरफ, भाई आँखें देख तो सकते, चलती गाड़ी में बंदा देखता ही ऐसे इधर उधर ना, सौरभ ड्राइव कर रहा था, मैं देख रहा था ऐसे कि चलो आते हुए कि चलो मेरे को कुछ शायद हल्की सी झलक ही दिख जाए उसकी, लेकिन गेट बंद हो गया था। फिर उसके बाद मेरे को तकरीबन एक्चुअली शाम के टाइम मेरे को मैं बाहर था, मार्केट में आ गया था अपनी एरिया में, मेरे को कॉल आया पुलिस स्टेशन से, हाँ भी ऐसे। तो मैंने बताया भाई आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं कि आपने वहाँ पे उत्पात मचाया, ऐसे किया वैसे किया। मैंने कहा सर ऐसे नहीं, ये झूठे एलिगेशन है मेरे ऊपर, कह रहे कंप्लेंट आई है। मैंने कहा ठीक है अगर कंप्लेंट आई है तो आप मेरे को मेंटली हरास कर रहे हो बार बार, क्योंकि आपने पहले भी मेरे को कॉल किया था ऐसी, आपने पहले ही बोला था कोई मैंने क्राइम किया तब बताओ, मैं वहाँ रुका तब बताओ, मैंने गाड़ी का शीशा खोल के कुछ गालियाँ निकाली या कुछ बोला तब बताओ, जब मैंने कुछ बोला तब बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं क्या मैं नॉर्मल गया। मेरी बहन का कह रहा कह रहे आप वहाँ पे जाओ, आप जा सकते हो। मैंने कहा पहले तो ये बताओ मैं ना जाऊँ। कह रहे नहीं आप जा सकते हो। मैंने कहा फिर वही तो रास्ता, फिर कैसे जाऊँगा मैं, बस ये सब बातें थी। ठीक है फिर उन्होंने फ़ोन हमारी, बस इतनी बात हुई, फ़ोन कट हो गया, मतलब कि वर्बली बात हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई, रिटर्न बात नहीं हुई, वर्बली फ़ोन पर बात हुई। अब पता नहीं अगर रिटर्न में होती शायद मेरे को बुलाते वहाँ पे और बात होती, ये तो मतलब कि ऐसे एक फ़ोन पे हुआ। लेकिन मैंने आज चलो अभी नहीं, फिर मैंने अपने एडवोकेट से बात की, उन्होंने बताया होगा ऐसे ऐसे। तो ये था कि अगर मैं वहाँ पे अपने रिश्तेदार के घर भी जा रहा हूँ, मैंने बता दिया कि मैं वैसे नहीं जाता हूँ, ये दूसरी बार गया होगा जब से हमारा इंसिडेंट हुआ है। एक बार पहले तब भी मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और अभी गया वहाँ भी। अपनी मेरी सिस्टर है साथ का घर, चार पांच घर छोड़ के मेरी सिस्टर का घर है और मेरे क्लाइंट्स भी, और जो नियर एंड ईयर है वो भी मेरी रिश्तेदारी है साथ में। तो मैंने बता दिया कि वो नहीं मिले, फिर मैं गाड़ी लेके वापस आ गया। तो बस ना मैंने रोका, ना मैंने शीशा खोला और ना मैंने कुछ बोला। हाँ गाड़ी में हल्का सा म्यूज़िक जरूर होगा लगा, और गाड़ी से आवाज़ बाहर भी नहीं जाती अगर शीशे लगे, और मैं गाड़ी हमेशा शीशे लगा के चलाता हूँ क्योंकि एसी वगैरह होता है गाड़ी में, वो म्यूज़िक होता है हल्का फुल्का, तो मैं अपने लिए लाइट सा रखता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं रखता। बहुत बार आपने मेरे वीडियोज़ को मैंने कैप्चर भी किया है जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, म्यूज़िक भी चला होता है ना, तो कितनी लाउड का होता है और किस तरह के गाने मैं सुनता आपको भी पता है। हल्के एक सॉफ्ट सॉन्ग सुनता, कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसे एग्रेसिव सॉन्ग्स मैं नहीं सुनता। तो ये सब बातें थी और बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद शाम के टाइम मेरे वीडियो आ गया, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए बच्चे के लिए, मेरे को खतरा, पी के है भाई मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला, किसने देखा, देखा आपने, ये हुआ झूठा एलिगेशंस, देखा तो बताओ। मैंने बोला कुछ बाहर निकला, गाड़ी से बाहर निकला या शीशा खोला या कुछ बोला तब बताओ। मैं तो सीधा गया और साथ ही साथ दो तीन मिनट बाद कॉल किया वहाँ पे खड़े होके, मतलब कि उनके घर के आगे, तो वापिस आ गया आपके घर से होते हुए। मैंने तो किस तरह बोला नहीं, तो आपने उसके बाद चलो आपको डर था ठीक है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे ये बात लेके आ रहे हो ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं पे तो स्टैंड रखो ना यार, एक वहाँ पे कर रहे हो फिर सोशल मीडिया, हर तरफ से कहीं से कुछ नहीं होगा। तो पुलिस वालों ने मेरे को पहले भी बोला था, अभी बोला कि आपका कोर्ट केस चला हुआ है कि आप ना जाओ। तो मेरे को भी पता है कि मेरा कोर्ट केस चलो, मैं तो किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं करूँगा। अब आप लोग बोलते हो कि आपको जाना चाहिए, भाई मैं तो नॉर्मल जा रहा हूँ तब मेरे ऊपर होगा, अगर मैं घर जाऊँ तो क्या एलिगेशन नहीं लग जाएंगे, नॉर्मल जा रहा हूँ नॉर्मल। अब इस बातों को जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बता दो, ऐसे ना मेरे को देखा ना गाड़ी में से, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया ड्रिंक करके आया, पी के आया जिसे बोल रहे हैं ना, और दूसरा कि बच्चे के लिए, बच्चे को खतरा आ जाना, भाई मैं कोई गैंगस्टर हूँ, आपके मासी का बेटा मेरे साथ, वो मेरा फ्रेंड है ना, तो हम क्या वहाँ पे, मेरी रिश्तेदारी वहाँ पे, मेरे को भी पता मेरे कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्या मेरा दिमाग नहीं है क्या, मेरे तो नॉर्मल जा रहा है। हाँ बट आंखों में ललक जरूर थी कि हाँ वही दिख जाए, वो नहीं दिखा मेरे को। तो ऐसे जो चीप काम है ना करने बंद कर दो, झूठे लोगों को फुसलाना बंद कर दो, पेशेंस रखो, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, और जितना आप मेरे से दूर कर रहे हो ना, कर नहीं सकते मेरे बच्चे को दूर। मैंने भी पेशेंस रखे हूँ कि मैं अपने राइट्स ऑफ कोर्ट के थ्रू लूँगा,
और मैं भी कोर्ट के थ्रू चला हूँ, मैं नहीं ऐसे करूँगा, लेकिन मेरे को कुछ काम थे। अब मेरे को कुछ काम है, अगर मेरा कुछ बिजनेस है तो मैं ना जाऊँ उसके लिए? मैं, वो गली पब्लिक रोड है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। अगर मैं वहाँ पे कुछ उत्पात मचा रहा हूँ, कुछ हंगामा कर रहा हूँ, तब बताओ, है ना, कि गाड़ी से बाहर निकल के रोला डाल रहा हूँ, शोर डाल रहा हूँ, तोड़ फोड़ कर रहा हूँ, गालियाँ निकाल रहा हूँ, तब बताओ। मैं नॉर्मल गाड़ी में बैठ के गया, गाड़ी में आ गया, तो इतना बड़ा इशू बनाने का तो कोई बात नहीं। पुलिस स्टेशन से कॉल कर, ऐसे ही पहले मेरे को ऐसे हरासमेंट किया, अभी भी किया मेरे को ऐसे मेंटली हरासमेंट करके सोशल मीडिया पे और ऐसे पुलिस स्टेशन से बार बार आप मेरे को मेंटली हरास कर रहे हो, मेरे साथ कुछ हरकत होती है, मेरी जान को खतरा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। बार बार मैं इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकता, ना झेल सकता हूँ, और ये वीडियो रखूँगा मैं, ये मेरी तरफ से बयान है कि ये चीज़ें मेरे को मेंटली हरास किया जा रहा है, ऐसी बात बिना कोई क्राइम कंडक्ट किए हुए, किसी तरह का कोई, मैं यार मेरे को वो नहीं यार कि कोई क्राइम ना किए हो, मेरे को कॉल करवा रहे हैं बिना मतलब से, परेशान कर रहे हैं मेरी रिश्तेदारी वहाँ पर, मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ अगर कुछ भी होता है, मेरी जान को खतरा है, मेरे को बार बार परेशान किया जाए, अगर मैं अपने आप ऐसी मेंटल हरासमेंट पर अगर अपने आप कुछ कर लेता हूँ, तो उसके लिए मेरी पूरी ससुराल फैमिली जिम्मेदार है। तो ये मेरा सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट है। और जो मेरे को मेंटली हरास कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वो तो मेरे को नहीं समझ आता क्यों करवा रहे हैं। पहले देखो सही, पुलिस वाले ने बोला मेरे को कि हमारे पास वीडियो, भाई वीडियो तो नॉर्मल है, अगर आपके पास कुछ है वीडियोस तो नॉर्मल, हम गए हैं नॉर्मल आए हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं बाहर निकला, जब गाड़ी के शीशे खोले, जब खड़ा होकर तोड़ फोड़ की, कुछ था मेरे पास, तो अब बताओ मैं गाड़ी में बैठ के नॉर्मल गया, नॉर्मल आ गया। अब उस बात को यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पे आप लेके आए, उसके बाद वहां से भी मेरे को परेशान किया जा रहा है, ऐसे ही पहले किया जा रहा है। मेरी रिश्तेदारी वहां पे, मैं क्या ना जाऊं वहां पे? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आप लोग बोलते हो कि बच्चे के लिए जाना चाहिए, ये काम हो रहे कैसे जाऊं? मैंने एक बार पहले ऐसे गया था, चलो अपनी बहन के घर ना, तो बच्चे को देखने को जो की बात है, मैं तो घर में खड़ा भी नहीं, मैं तो सीधा निकल गया, ना गाड़ी रोकी, ना मैंने शीशा वहां पे डाउन किया, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे गई, नॉर्मल स्पीड पे आ गई। तो आप खुद बोल रहे हो कि आपके रिश्तेदार मेरे साथ है, तो क्या वो गलत है? अब आपको एक वीडियो और बताऊंगा, जब मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था ना कि ऐसे वैसे, अब उसके साथ वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि क्या जो कितना सही है कितना गलत है। तो बार बार मैं इन वीडियो को बना बना के अपनी वो नहीं देना चाहता। हाँ, इधर से कुछ आता है फिर मेरे को बनाना पड़ता है, मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन आते हैं यार, मेरे को तो वो समझ नहीं आ रहा यार, किस बेस पे मेरे को फोन करवा रहे हैं? फोन करवाया किस लिए? अजीब बात है यार। चलिए वो नहीं, वो तो नॉर्मल बात थी मेरे को उस बात की, बट मेरे को इस बात की मेंटल हरासमेंट हो रही है कि क्यों यार मैं जा नहीं सकता उस रोड पे, मेरी बहन का घर है उधर, मेरे क्लाइंट्स है वहां पे, मैंने यही बात वहां पे रखी ऑफिसर के साथ, और जब प्रोटेक्शन ऑफिसर आए थे उन्होंने भी यही बात बोला कि आपने नहीं जाना उस तरफ, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं कि आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा ना लगा दे? भाई मेरे को सबसे ज्यादा खतरा है इस बात का, मेरे को भी पता है कि मैं उस तरफ से कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो नॉर्मल गया, तब आपने इतनी बातें बोल दी मेरे को खतरा है, इस वजह से एलिगेशन लगा दिए, ड्रिंक पी के आया बोल रहे हैं ना। अगर मैं वहां पे अपनी इंटेंशन के साथ जाऊं या घर जाऊं, फिर तो पक्का ही मेरे ऊपर बाहर होंगे बड़े बड़े, क्यों नहीं जाता मैं, क्यों नहीं आता मैं, मेरे को पता है सब कुछ, वो यही मेरे को सारा डिपार्टमेंट बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, इधर से भी, कि नहीं जाना भाई बच के रहे, इसलिए नहीं जाता कुछ। मेरे को पता है मैं अपने केस को खराब नहीं करना चाहता, स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूँ, मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं कर लूंगा, आपको बच्चे का डर कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और दूसरा रहा मैं बाप का कोई हक नहीं है। अच्छा वीडियो बनाए बाप, कौन बाप आपके वर्ड्स है बीच में, मैं ही हूँ बाप, मैं नहीं ऑब्जेक्शन उठाता, आप उठाते हो। बस ये सब बातें थी, बोलने से पहले हाइपर होकर फटाफट वीडियो बनाने से पहले बातों को समझा करो, आप इधर से मेरे एरिया से निकल जाओ, मैं कौन हुआ यार आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करने वाला यार, रोड पब्लिक रोड है कोई भी जाए यार,
आपके घर एंटर कर रहा हूँ, वहाँ पे हंगामा करता हूँ, या घर के गेट के आगे गाड़ी रोक के मैं वहाँ पे रोक के बारियाँ खोलता हूँ, बाहर निकलता हूँ, उत्पात मचाता हूँ, गालियाँ निकालता हूँ, तो बात भी है। मैं नॉर्मल गया, नॉर्मल अभी उसके लिए इतना बड़ा फटाफट सोशल मीडिया पे भी वीडियो डाल के फट मल्टीपल एलिगेशन लगा दिए, बाद में डिलीट कर दिया, और उसके बाद आप मेरे को इधर उधर से कॉल करवा के हरास करवा रहे हो बार बार। पहले मेरे को कुछ एक्टिविटी तो मैंने की नहीं वहाँ पे, पहले देख तो लो किया क्या उसने। आप फटाफट से जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करके ये करवा रहे हो, झूठ सच बोल रहे हो वहाँ पे। उन्होंने तो भाई वही देखना है जो बोला, कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ है फुटेज आपके पास या कुछ एविडेंस है, तब तो आप बात करो। वर्बली आप बार बार इन चीज़ों को जाके हाँ भाई उधर से उत्पात में चाहे पी के, भाई गाड़ी से मैं बाहर नहीं, किसी को क्या पता मैंने पी रखी है या नहीं पी रखी है, मैं सीधा गया सीधा आ गया। अजीब बात है यार, बार बार झूठे एलिगेशन लगाना बंद करो, बंद करो। ये थी नॉर्मल सी बात और नॉर्मली सारी चीज़ें। अगर कुछ इंसिडेंट हुआ होता ना सच में, तो FIR रजिस्टर्ड होते हैं हम, कुछ भी कुछ नहीं, नॉर्मल कॉल किया, वार्निंग दी आपने, ये मैंने कहा ठीक है, ये टेलीफोनिक बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, मतलब कि एक तरह से कॉल करवाया गया या रिटर्न में कंप्लेंट देखो फ़ोन करके ही बात को ख़त्म कर दिया। अगर क्राइम होता ना तो है, मतलब कि उसके मन में डर पाना कि ये ना आए इधर को, बच्चे को ना देख ले, और कुछ आप लोग बोलते हो जाओ, इंटेंशन को समझो, यहाँ पे बोलते कुछ है, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, ये सब गेम्स है जो आपको बोलते हो ऐसे हो जाए ऐसे, कुछ नहीं है। मैं समझ चुका हूँ इनको अच्छी तरह से, और आप लोग भी समझ चुके हो। अब खुल के यहाँ पे बोलूँगा क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया।